कुछ। <laughs> तो एस पावर अभी BMPS का MVP बना वाले और ये बंदा वैसे ही ही अच्छे-अच्छे क्लचेस करता रहता है लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर क्लच था इसका जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था और इसने मेरे होश उड़ा दिए थे और ये क्लच तब आया था जब वो गॉड लाइक -like से खेल रहा था तो तुम कोई और क्लच देखो ना देखो ये जरूर देखो यार एक बार और एक बार भाई ने गूगल पे टू टू भी सर्च किया था तो यार उसकी कहानी भी देखो यार वन सेवन

मारने से पहले भी इसने एक और के भी कराया। यहाँ पे तो चलो इसने मारा पहले से यहाँ पे भी देखो ये भी इसने ऑलरेडी हाफ एच पी कर दिया ये नेट भी कितना एक्यूरेट गया था सस एस पावर सस एस पावर ने भी ना जीरो सर्च कर रखा था एक क्लिप वायरल हुई थी उसकी सैगी है सर्च कर रखा था उसने और लिंक वायलेट हो रखा था पर्पल हो रखा था और ये भी एक प्रांक टाइप था क्योंकि उस टाइम पे साकी पकड़ा गया था ये सब करते हुए उसका सीन भर आया था सारा और क्लासिक में एक रैंडम बंदे से फिनिश हो जाने के बाद में एस पावर ने एक प्रैंक की तरह इसको सर्च करके दिखाया था कि भाई ऐसे रैंडम बंदे नहीं मर रहे हैं तो एक बार जादू ही यूज कर लेते हैं

Come on, वो अकेला बचा है। अच्छा, आए आए हैं, हैं। क्या क्या बात बात कर रहे हो? अरे भाई ग्रेनेड करने में सामने से खिलाड़ी आएंगे कामयाब दूसरे खिलाड़ी को भी कामयाब हो चुके हैं डीपीएस इसी गन को आप क्लोज में जब लेके जाते आपका भरोसा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसी भरोसा के साथ

भाई ये तो देखने दो यहाँ पे बिल्कुल प्रयास नहीं बट एड बिट भी पीछे से आएंगे और शॉट लेंगे जिसका फायदा इस पावर को भी होगा वो आखिरी खिलाड़ी मैडमेंट की तरफ से डाउन कर दिया गया और इसका फायदा पे मिल चुका है गॉड लाइक स्पोर्ट्स को को लेकिन बिट के के जो बाकी दो प्लेयर्स है है वो अब पे इस पावर ऊपर अटैक करते हुए देखने मिल मौका मिला नहीं है मुझे लगा कि शायद वो सोल्यूशन हुआ है उस प्रॉब्लम का लेकिन ये प्रॉब्लम के बाद एक और प्रॉब्लम आ चुका है जहाँ पे वन बी टू सिनारियों में यहाँ पे फंसे पावर इस फाइट को जल्द से जल्द चुकी ये देखो ये देखो ये देखो इसने क्या करा इसने तुरंत तुरंत तो कैंसिल करा तो यहाँ पे भी इसने वेट करा फर्स्ट वेस पावर इस फाइट नेड खींच के कैंसिल करा तुरंत नेड भी नहीं था स्मोक आया हाथ में तुरंत कैंसिल तो जल कर जल्दी बैठ गया किस जरूरत थी और तभी बंदा आया बाहर बेट भी मारा बंदे ने साथ है एक और टीम को मैं आते हुए देख पा रहा हूँ पीछे से लाल चोट लेने का प्रयास किया गया कनेक्शन बहुत लाजवाब हेल्थ रिकवर करने का अरे भाई आते हुए देख पा रहा हूँ क्या चुपके से बोल रहा भाई चोट लेने का प्रयास किया गया कनेक्शन बहुत अरे तुम्हारी उसकी भाई वो ये देखो देख बीस्ट, बीस्ट 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 इज अ वेरी नाइस प्लेयर यार कुछ जबरदस्त भाई क्या मारा था इसने आ, बीस्ट ने तब कितना बढ़िया मारा था कौन सा चल रहा था ये बीजेएमआई राइजिंग जब हुआ था क्या मारा था एडविड बीस ने एक और टीम को मैं आते हुए देख पा रहा हूं पीछे से कि भाई

ऐसे बात भी अक्सर मैं बात करता हूँ तो मैं ऐसे बात करता हूँ मैं ऐसे बात नहीं करता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ मेरे लोग बैठे हैं इधर मुझे अपनापन महसूस होता है इसलिए मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ मैं बात भी इसलिए ऐसे करता हूँ और रिएक्शन भी मेरा इसलिए ऐसे निकलता है क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ तो ये जेनुअन रिएक्शन है मैं ओवर एक्टिंग नहीं करता मेरे को सच में नहीं लगा था मुझे लगा था कि वो हील कर लेगा या वो रिवाइव देगा नीचे ऐसा मार के निकल जाएगा ये नहीं लगा था एक हल्का सा एंगल था एच पी भी आ पावर के पास नहीं था बट उसके बाद भी बिल्कुल ऑन पॉइंट कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। हेल्थ रिकवर करने का वो वक्त मिल चुका है वो मौका मिल चुका है हाइड्रास भादा पीछे नजर तो जरूर बना के के रखे हुए हैं जम करके नीचे आया जाएगा क्या ये एक और क्लच कंप्लीट हो चुका है वो कितना स्मार्ट मूव था कितना स्मार्ट मूव था भाई पता है कि रिवाइव ही हुआ है जस्ट उसको हल्का सा मार के मतलब तो 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 काम रहने की जरूरत क्यों होती है सबसे ज्यादा क्योंकि तुम ऐसे दिमाग चला सकते हो क्या दिमाग चलाया इसने मतलब हड़बड़ाहट में नहीं आ रहा है तुरंत भाई अपर्चुनिटी एक ओपनिंग देख रहा है जहां से ओपनिंग मिली तुरंत कैपिटलाइज करके निकाल गया कि क्या ये बंदा दस एच पी होगा एक गोली छुआनी मर जाएगा क्या क्या क्योंकि अभी, अभी? माइंड है पहले वो ग्रेनेड छोड़ दिया इसने एकदम से ग्रेनेड वाला बेट करा उसके बाद वो फ्लिक मारा क्या क्या क्या, क्या कुछ नहीं है भाई इस क्लच में डीबीएस है तो डीपे सामने वालों पे बैठी सामने वाला तो एस के भी ला रहा है क्या भाई इस क्लच में डीबीएस है तो डीपे तो सामने वालों पे बैठी सामने वाला तो एस के भी ला रहा है और एस पावर की जितनी एचपी थी वो एक गोली में मर जाता सामने कोई भी गन होती वो मर जाता उसमें इतना स्मार्ट मूव इनको अटैक करने की जरूरत है वहां पे रिवावल की बात करेगा कंप्लीट हो चुका तो है वो रिवावल आके वापस आ गया शॉट लेने का ट्राई फिर से एक खिलाड़ी को नॉक करेंगे रिफ्लेक्सेस आप देखिए एस्पा और एक अलग स्तर पे जा चुके हैं पता है कि खोने को कुछ नहीं है पाने को बहुत कुछ है लेकिन ओ छोड़ रह गया लास्ट में नाइस ट्राई यार एंटी एंटी इन द चैट एंटी इन चैट गाइस बैल इतने सारे क्लचेस ये बंदा करता है लेकिन यही स्पेसिफिकली मैंने इसलिए आपको दिखाना प्रेफर करा क्योंकि इसमें मेरा रिएक्शन और इसमें जो एक्सप्लेनेशन था वो भी बहुत तगड़ा था और इसमें अपने आप में ही बहुत कुछ सीखने को भी था तो लेट मी नो इफ यू लाइक द वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए बाय बाय